नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जूब न्यूज। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की आप देश दुनिया की सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। अरविंद केजरीवाल बोले, इस साल भारतीय डॉक्टरों को मिले भारत रत्न। जी हाँ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भारतीय डॉक्टरों को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि इस वर्ष भारतीय डॉक्टरों को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारतीय डॉक्टर मतलब सभी डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ। शहीद हुए डॉक्टर्स को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपनी जान और परिवार की चिंता किए बिना सेवा करने वालों का ये सम्मान होगा। पूरा देश इससे खुश होगा। दर्शकों के बिना खुलेंगे स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्कूल कॉलेज और थिएटर होंगे बंद। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में अनलॉक को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने नई गतिविधियों को पुनः शुरू करने की अनुमति जारी की है, जिसके अनुसार दिल्ली में स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बिना दर्शकों के फिर से खोलने की अनुमति होगी। तो वहीं स्कूल कॉलेज, थिएटर्स, स्विमिंग पूल और स्पा बंद रहेंगे। DDMA ने आदेश दिया है कि स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने के दौरान कोरोना से जुड़ी हुई मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP और अन्य दिशा निर्देशों के साथ ही कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। आदेश में कहा गया है कि हालांकि सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, स्पा, स्कूल और कॉलेज, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य तरह के समागमों पर पहले की तरह ही रोक जारी रहेगी, तो वहीं दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन की बसों का 50% क्षमता के साथ चालन होता रहेगा। प्रोटीन डाइट व विशेष आहार के बाद अब पहलवान सुशील ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से की ये नई मांग। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार इन दिनों दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदी की तरह ही समय व्यतीत कर रहा है, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि सुशील कुमार ने जेल के आला अधिकारियों को एक पत्र लिखा है और एक विशेष मांग की है। सुशील ने अपने पत्र में कहा है कि अगर TV मिलेगा तो उसे कुश्ती के सारे अपडेट मिलते रहेंगे। आपको बता दें कि सुशील कुमार पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्य आरोपी है, जो 9 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है। आपको मालूम हो कि इससे पहले मंडोली जेल में रहते हुए सुशील ने विशेष आहार तथा सप्लीमेंट्स उपलब्ध करवाने की मांग की थी। राफेल सौदे को लेकर राहुल गांधी ने PM मोदी को घेरा, पूछा JPC जांच के लिए क्यों तैयार नहीं है। जी हां, राफेल डील को लेकर फ्रांस में जांच के आदेश के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर राफेल डील को लेकर हमलावर हो गई है। अब राहुल गांधी इस डील के लिए JPC जांच की मांग कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने राफेल डील को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था कि चोर की दाढ़ी जैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक ऑनलाइन सर्वेक्षण करते हुए रविवार को लोगों के लिए एक सवाल पोस्ट किया है कि मोदी सरकार इस जांच के लिए तैयार क्यों नहीं है। उन्होंने ट्विटर पर किए गए सवाल के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए हैं, अपराध बोध, मित्रों को बचाना है, JPC को राज्यसभा सीट नहीं चाहिए, या सभी विकल्प सही हैं। कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए PM मोदी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। BJP की जीत पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा आरोप, कहा बंदूक की नोक पर कोई भी वोट ले सकता है। जी हां, यूपी जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत दर्ज करते हुए 75 में से 67 सीटों पर जीत गई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले BJP इस जीत से जहां उत्साहित है, तो वहीं BJP के इस जीत को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा आरोप लगाया है। एक चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में टिकैत ने कहा कि इस गणित के फॉर्मूले को हम भी समझना चाहते हैं कि सीटें कम और ज्यादा कैसे होती हैं। तो वहीं आगे उन्होंने कहा, BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोटरों की कनपट पर बंदूक रखकर तो कोई भी वोट ले सकता है।